हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूडोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके इंग्लिश ग्रामर का वन शॉट वीडियो, जहां पे हम क्या करेंगे, कम समय में जो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो आपकी काइंड ऑफ सेंटेंसेस से शुरुआत करो। अगर साथ ही साथ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, ठीक है। अब यहां पे देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली चार टाइप के सेंटेंस क्या पढ़ने वाले हैं, आप कौन से हम देख लेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या आती है, आपकी असर्टिव सेंटेंस आती है। अब असर्टिव सेंटेंस है, फिर इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करता है, कोई भी फैक्ट बताता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है हमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी चीज जब डिक्लेयर की जाती है उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि कल आप लोगों का छुट्टी रहेगा, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया कल आपके क्लासेस की क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी, तो मैंने डिक्लेयर किया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग ऑन ग्रीट ट्यूटोरियल्स, तो ये फैक्ट है भाई, मैं ग्रीट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, समझ में आ गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो होगा, कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन देगा, ऑर्डर मतलब जैसे कम हियर, तो मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, सजेशन कि प्लीज सिट क्वाइट, तो ये सॉरी ये रिक्वेस्ट हो गया मेरा, प्लीज सिट क्वाइट, तो ये मेरा रिक्वेस्ट हो गया। अगर मैं बोलूं कि किसी को मैं अगर सजेशन देता, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इफ यू वुड हैव स्टडीड अ लॉट हार्ड देन यू वुड हैव स्कोर्ड मच मोर मार्क्स, तो ये मैंने क्या दिया, सजेशन दिया कि अगर आपने ये ना करते हुए अगर पढ़ लिया होता तो आपका क्या होता, आपने और अच्छा मार्क्स स्कोर किया, तो ये सजेशन होता है, ठीक है। तो ये तरह के स्टेटमेंट क्या होंगे, आपके इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब कभी भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ यू आर, तो हाउ आर यू, हाउ यू आर, तो ये अगर मैंने पूछा ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब हमारी सडन फीलिंग्स जो होती है जो निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फटाफट बता, देखो देखिए, यस द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आई एम अ बॉय, इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, आस्क श्याम फॉर द रेसिपी। देखो इंट्रोगेटिव में क्या, देखो इंट्रोगेटिव पहचाना कैसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब भी देखिए उल्टा आई दिखेगा, यानी उल्टा यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछ सकते हो, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन टैग पे। क्वेश्चन टैग होता है क्या, बेसिकली क्वेश्चन टैग होता है जब कभी भी हम एक स्टेटमेंट बोलने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने पढ़ाई की, सच में की, तो ये सच में की मैंने क्या जो पूछा ना, ये आपका क्वेश्चन टैग है। एक जब कभी भी एक स्टेटमेंट बोलने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कंफर्मेशन के लिए, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं दोस्तों। अब आपको याद क्या रखना है, देखो जब कभी भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसा सेंटेंस होता है, जिसमें नॉट नहीं आता, नेगेटिव कैसा सेंटेंस होता है, जिसमें नॉट आता है, समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। देखो अभी इज है तो इसका इजंट होगा, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट। अब यहाँ पे हम बताओ, अगर मैं बात करूँ हमारी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन टैग में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे आम है तो आम का एमेंट नहीं होता, आरंट होता, विल है तो विल का विलेंट नहीं, वोंट होता, शाल का शांट, शालंट नहीं, आपका शांट हो गया, यहाँ पे मैंने शालंट लिखा, ये शांट होगा, ठीक है, शांट होगा, ये गलत टाइप हुआ, सॉरी, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करो आपके क्वेश्चन टैग, इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब टाइप वन आता है, अब इसको लिखना कैसे, सबसे पहली चीज आपको क्या पहचाना है, टाइप पहचाना है कि ये क्वेश्चन टाइप है कैसा। सबसे पहले देख लो, क्वेश्चन रीड करें, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब ही इज गोइंग टू मार्केट मैंने देख लिया, सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो मैं लिख लूंगा, और फिर उसके बाद चलो पहले कॉपी कर लेंगे, दो बेटा देखो मैं लिख रहा हूं, अब जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना होगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट दिया, अब यहां मैं क्या करूंगा, कॉमा डालूंगा। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सॉरी जो टैग क्या आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट आ जाएगा, हमने पीछे देखा था वो इजंट आ गया। अब प्रोनाउन क्या ही है, तो ही मैं एज इट इज क्या इधर लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क डाल, आपको सेम पैटर्न में क्या आंसर लिखना रहेगा। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, इतना चीज समझ के रखना आप लोग। अगर यहाँ भी पे अगर क्या होता है, ही के बदले किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम ओम था, ओमकार इज गोइंग टू मार्केट, तो मैं क्वेश्चन टैग में
इजंट ओम का नहीं लिखता मैं, लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, लड़के के लिए हम लोग प्रोनाउन जो यूज करते ही यूज करते, लड़की के लिए शी यूज करते, और कोई भी सामान या फिर ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस रहेगा तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते। तो ये चीजें ध्यान में रखना, समझ में आ गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं दे आर प्लेइंग मैच, तो एक और मैं बता देता हूं, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में करना है, तो मैं करूंगा दे आर प्लेइंग मैच, कॉमन डाला, हेल्पिंग वर्ब क्या मेरा आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, अरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है, दे है, तो दे एज इट इज मैं यहां पे लिख दूंगा, हो गया क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क डालना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब ये वाला मैं आपको देख रहा हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर दिखना है तभी हमें समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये विल है, तो विल स्पेशल केस याद है, विल का क्या हो जाता है, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, विल का ओन्ड हो जाता है लेकिन आंसर आप लिखोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप टू है, टाइप टू कौन सा वाला टाइप है, ये नेगेटिव वाला टाइप है, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या है, नॉट आ गया। अब जब नॉट आया है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा, चलो देखो प्रोसीजर सेम है, पैटर्न सेम है, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, ठीक है, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब यहां पे देखो सेंटेंस नेगेटिव है, हमें समझ में आ गया कि नॉट आ रहा, तो सेंटेंस नेगेटिव है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, तो इज को मैं क्या करूंगा, इजेंट करूंगा क्या, नहीं, मैं इज एज इट इज लिखूंगा, इज एज इट इज लिखूंगा। और श्याम, श्याम क्या है, लड़का है, लड़के के लिए श्याम, इज श्याम लिखेंगे हम लोग क्या, नहीं, हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इज का इज क्या आ जाएगा, इज ही आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, समझा। इतनी चीज आपको इस तरह से करनी है, क्लियर हो गया। सेम चीज यहां पे भी आपको करना है, देखो। अब यहां पे मैं आपको आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, अब मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर लिखना रहेगा, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। तो अब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मुझे क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो मैं टैग क्या लगाऊं, पॉजिटिव लगाऊं, तो मैं यहीं पर आपको कॉमा डाल के कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है। आर मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब दो लोग हैं, राम एंड श्याम, तो मैं ही लिखूंगा क्या, नहीं, जब एक से ज्यादा लोग रहते तो हम लोग दे यूज करते, तो क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। एग्जाम में वापस बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन वापस लिखना है, फिर उसके आगे टैग लगाना है, ठीक है, जैसा मैंने पहले करके बताया। अब ये वाला आप लोग करोगे, एक एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट टाइप पे, टाइप थ्री जो हमारा इंपरेटिव वाला टाइप है, इंपरेटिव वाला टाइप ऑलरेडी मैंने, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन आते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, स्टेट करता है, तो उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, जब कभी भी सेंटेंस क्या, कोई कमांड क्या कर रहा है, स्टेट कर रहा है, जैसे बोला ओपन योर बुक, टीचर ने कमांड दिया बुक खोलो अपना, तो आप क्या करोगे, आप इसमें क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे, पता है, अब मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, जब कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो आप हमेशा क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे, दो मिनट, आप क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे, समझ में आ गया। अब जैसे अगर कोई ऐसा है कि स्टेटमेंट है जो सजेशन स्टेट कर रहा है, तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें पता है जब भी सेंटेंस में लेट्स आ रहा है और वो इंपरेटिव सेंटेंस, लेट्स गो टू पार्टी, पारी पावड़ी, लेट्स गो टू पार्टी, तो आप क्या करोगे, हमेशा मालूम है क्या, तो आप लिखोगे शैल वी, समझ में आ गया। जब कभी भी ऑर्डर स्टेट किया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे, और जब कभी भी क्या किया जाएगा, आपका सजेशन स्टेट किया जाएगा, तो आप शाल भी लिखोगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझी होंगी, तो यहां पे हमने क्वेश्चन टाइप इतना टाइप क्या कवर कर लिया है। अब लास्ट टाइप है, अब यहां पे देखो, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना देख लो, ध्यान से देखो, सारी चीजें नहीं समझे तो पीछे वीडियो करो, आपको चीज समझ में आएगी, एक ही पैटर्न है, सारी चीजें पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या समझ लगेगी। अब यहां पे देखो, सबसे पहली चीज सेंटेंस रीड करो। अब सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, ही वर्क्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही वर्क्स, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है, नहीं है, क्या है, ये टेंसेस वाला टाइप है, आपको टेंस आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ही वर्क्स है, अब सबसे पहली चीज क्या है, हम वर्ब कैसे, हम टेंस कैसे पहचानते हैं, वर्ब के बेसिस पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्या है, वर्क्स। अब वर्क के साथ एस्ट है, देखो जब भी सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा और वर्ब एस के फॉर्म में रहता है, तो हम डज यूज करेंगे, नहीं तो डजंट यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो टैग क्या आएगा, डज आएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टैग क्या आएगा, डजंट आएगा। भाई सेंटेंस अगर प्रेजेंट है और वर्ब जो अपने फर्स्ट फॉर्म यानी एस के फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डू और या फिर डोंट। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में तो डिड या फिर डिडंट। देखिए यहां पे आपको समझेगा, मैं सेंटेंस पूरा लिख रहा नहीं हूं, टाइम वेस्ट होगा इस वजह से, टाइम वेस्ट इन द सेंस वीडियो लंबा बनेगा इस वजह से।
ही वर्क से, तो ही वर्क से, तो एस आ रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में मुझे पता चलेगा कि वर्क से, वर्क है, तो वर्क क्या फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्क जो होता है, वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो एस है, तो मैं क्या यूज करूंगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो डजंट आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे ही वेंट टू स्कूल, अ वेंट है, गो वेंट, वेंट क्या है पास्ट फॉर्म है, यानी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में आता है ना वेंट, तो ये क्या आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा, डिड आएगा कि डिडंट आएगा, डिडंट आएगा, समझा। अब दे ईट है, अब इसका क्या आएगा, देखो मैंने बताया एस वाला फॉर्म बता दिया, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ईट है, ईट क्या है फर्स्ट फॉर्म है, ईट क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस में एस में, एस में नहीं है, तो क्या आएगा, डू आएगा कि डोंट आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन टैग जो पूरा टॉपिक है समझ में आ गया होगा, इनकेस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट वीडियो लेके ले सकते हो। अब फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे, फिगर ऑफ स्पीच होता है क्या, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच मतलब दोस्तों एक ऐसा जहां पे देखिए ये क्या करता है, सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा एनहांस करता है, थोड़ा सा पोएटिक इफेक्ट देता है, ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम अच्छे से तैयार होते हैं, हैंडसम बंदे, बोली पे ध्यान देते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे को हम क्या अट्रैक्ट लगने चाहिए, अट्रैक्टिव लगने चाहिए, सामने वाला बंदा बेसिकली हमसे इंप्रेस होना चाहिए, ये चीज एक मेन रीजन होता है। सेम चीज लैंग्वेजेस के साथ भी होता है, तो ऐसे कुछ फिगर ऑफ स्पीच है जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उतने ही करेंगे। जैसे सिमिली है, सिमिली में क्या होता है, आप पहचानोगे जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया, जैसे शर्मा जी सीखना है तो शर्मा के जी के लड़के से सीख, अगर बनना है तो शर्मा जी के लड़के जैसा बन, जैसा बन, यानी शर्मा जी के लड़के में और आप में क्या जाए कंपैरिजन क्या है, यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करा और जैसा, यानी लाइक, जब कभी भी क्या किया जाएगा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा एज या फिर लाइक यूज करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। जैसे ही इज एज स्ट्रांग एज स्टील, तो देखो एज समझ में आ रहा है, एज आ रहा है, तो ये आपका सिमिली होता है। वैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ही इज लाइक सलमान खान, ही इज लाइक सलमान खान, तो वो सलमान खान जैसा है, लेकिन सच में सलमान खान जैसा लाइक है, तो ये क्या कंपैरिजन कर रहा है, आप में और सलमान खान के बीच में क्या कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको हम लोग सिमिली बोलेंगे। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन कभी भी जो आपका ये कहते हैं हम कि लाइक और एज नहीं आता, इसमें जो हिंट अगर मैं बोलूं, इज एम और आर जैसी चीजें आती है, ठीक है। देखो जैसे लाइफ इज अ ज्वेल, वैल्यूड इज आ रहा है, तो आपका ये मेटाफोर हो गया, समझ में आ गया, दो लोगों लाइफ और ज्वेल के बीच में कंपैरिजन हो रही है, ठीक है, लाइफ और ज्वेल के बीच में कंपैरिजन, लेकिन लाइक आर एज यूज नहीं हो रहा, तो इसको मेटाफोर बोलेंगे। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में जब एक सेंटेंस में क्या होगा, जो पहला अल्फाबेट होता है किसी भी वर्ड का, पहला अल्फाबेट होता है, वो अगर बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे लिटिल एल, लक्ष्मण एल, लाइक्स एल, लिची एल्स, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची, समझा। अब रिपीटेशन में क्या होगा, एलिट्रेशन में अल्फाबेट रिपीट होता है और रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होगा। देखो जॉनी जॉनी यस पापा, आप देखो जॉनी और जो जॉनी है वो सेंटेंस में कितने बार, एक से बार ज्यादा बार रिपीट हुआ, यानी दो बार रिपीट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटेशन बोलेंगे। अब टोटोलॉजी क्या आएगा, टोटोलॉजी में एक सेंटेंस में क्या होगा, एक ही सेंटेंस में सेम मीनिंग वाले दो वर्ड आएंगे, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड आएंगे, बेसिकली सिनोनियम्स आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो इट वॉज अ कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग, इट वॉज कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग, तो कंटिन्यूस मतलब चलते रहना, अनएंडिंग भी मतलब क्या कभी खत्म होने वाला नहीं, मतलब चलते रहना, तो ये दो सिनोनियम्स है, तो दोनों एक ही इसमें आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मैं बड़ा हूं साथ ही साथ मैं बड़ा हूं और मेरे जो बोलते हैं ना डोले, वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा विशाल है, विशाल और ह्यूज, विशाल का मतलब भी बड़ा होता है और बिग का भी मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, यानी एक सिनोनियम्स है, दोनों एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। अब एंटीथेसिस का क्या बोलेंगे, मैं बड़ा हूं लेकिन मेरी उंगलियां छोटी है, बड़ा और छोटा दोनों अपोजिट एक दूसरे को, तो ऐसे सेंटेंस को हम एंटीथेसिस सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहां पे बोलूं आवर लॉस इज योर प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों अपोजिट है, एक ही सेंटेंस में आ रहे, तो इसको हम लोग एंटीथेसिस बोलेंगे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब यहां पे अगर मैं बात करूं पर्सोनिफिकेशन, जब कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाएगी, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं चांद मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना तो हमारी आदत है ना भाई, चांद मुस्कुराता है क्या, नहीं, चांद एक नॉन लिविंग थिंग है, मुस्कुराना एक लिविंग थिंग है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सोनिफिकेशन। जैसे बोला द विंड ब्लू डाउन ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एंगर, हाइपर बोल मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, जब मैं बड़ी बड़ी फेंकता हूं तो उसको मैं हाइपर बोलते, नाम में हाइपर मतलब ज्यादा, बोल मतलब बोलना, समझा। इस तरह से यू आर लाइट एज फेदर, कौन ऐसा इतना हल्का रहेगा, एक पंखुड़ी जैसा कौन हल्का रहेगा, कोई नहीं, समझा। इंट्रोगेशन मतलब वही होता है आपका क्वेश्चन मार्क, समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वर्जन में क्या होगा, जब आपके सेंटेंसेस जो होंगे वो ग्रामेटिकली प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं रहेंगे, तो हम उसे इन्वर्जन बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपके वेंट अप द बलून, तो ये प्रॉपरली अरेंज है क्या, नहीं, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, द बलून वेंट अप, यानी जो बलून है वो ऊपर चला गया,
ऊपर गया बलून, ये हम बोलते हैं क्या कभी नहीं, बलून ऊपर चला गया, तो ये आपका क्या इन्वर्जन है। एक्सक्लेमेशन मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी में आ गया, यहाँ पे मैंने गलती से दो डाल दिया, एक ही आएगा। इंट्रोगेशन मैंने ऑलरेडी बताया, इंट्रोगेशन वापस आ गया, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो ये आपका ये होता है, क्लियर हुआ। अब क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होगा, क्लाइमेक्स में क्या होता है पता है क्या, कि सेंटेंस में जो कम इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो पहले रखी जाएगी, फिर उससे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज, फिर उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज बाद में रखे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक लड़का है वो मेरा दोस्त है, वो क्या है मेरा दोस्त है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट दोस्त बहुत होते, फिर उसके बाद वो मेरा क्या एडवाइजर है, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे एडवाइस लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद वो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा रोल मॉडल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है, तो लास्ट में रखी गई है, समझ में। तो इसको क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स में क्या उल्टा होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रखी जाएगी, फिर कम इंपॉर्टेंट वाली उसके बाद में, और सबसे कम मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज लास्ट में रखी। जैसे अगर मैं बोलूं वो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा एडवाइजर, फिर मेरा दोस्त है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वो मेरा इंस्पिरेशन है, फिर वो क्या है मेरा एडवाइजर, फिर कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो क्या मेरा दोस्त है, समझा, तो उसको हम लोग एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी देखो, आपके स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगा, और आपको क्या बोला जाएगा पता है क्या, आपको बोला जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका फंक्शन स्टेट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी मैंने बनाया है आपके लिए, चार्ट पूरा प्रिपेयर किया है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, बेसिकली देखो मैं साइड हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार रीड कर लो, जैसे कैन क्या प्रोसेस करता है, एबिलिटी करता है, इनफॉर्मल परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी, तो ऐसे आपको क्या स्टेटमेंट्स आपको ये याद करने होंगे, रीड कर लोगे तो हो जाएगा आपका काम। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आई कैन स्टडी वेल इन क्वाइट हॉल, मैंने देखा क्या है, आई कैन स्टडी मैं क्या पढ़ सकता हूँ एक क्वाइट हॉल में, ठीक है, तो ये क्या है कैन कर सकता हूँ, यानी पॉसिबिलिटी है, तो आपको क्या कैन मॉडल ऑक्सिलरी लिखना रहेगा और फंक्शन क्या लिखोगे आप, पॉसिबिलिटी, समझा। फिर आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं क्या जा सकता हूँ, मैं पुणे जा सकता हूँ अगले हफ्ते, जा सकता हूँ कन्फर्म है क्या, नहीं, पॉसिबिलिटी है, तो ये फंक्शन क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें शांत रहना है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मस्ट है, तो मस्ट क्या इंडिकेट, तुम्हें शांत रहना, यानी कंपल्सरी बोला तुम्हें शांत रहना, तो फंक्शन क्या आएगा आपका, कंपल्शन आएगा, समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, बस आप एक बार चार्ट रीड करोगे ना, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी। देखो मस्ट का मैंने कंपल्शन बताया, फिर उसके बाद मैंने क्या क्या मैंने पॉसिबिलिटी बताया, कैन आपका एबिलिटी भी प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद अगर मे का मैंने अगर बताया, मैंने पॉसिबिलिटी बताया आपको, ठीक है, माइट का मैंने क्या बताया, माइट था ही नहीं हमें, ठीक है, तो मैंने ये चीज़, आई कैन स्टडी वेल इन द क्वाइट हॉल, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दी, मैंने पॉसिबिलिटी बोली शायद से, ये एबिलिटी प्रोसेस कर रहा है कि मैं शांति में पढ़ सकता हूँ, यानी मेरी एबिलिटी है, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ठीक है। मेक कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जब कभी भी क्या होता है, जब दो अलग अलग वर्ड्स साथ में आके क्या एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मून है एक अलग वर्ड है और लाइट एक अलग वर्ड, दोनों को मिला दिया मून लाइट बन गया, फुल अलग वर्ड है और एक मून अलग वर्ड है, तो दोनों को मिला दिया फुल मून बन गया। वैसे ही डोर वे बास्केट और बॉल अलग अलग साथ में आ गया बास्केटबॉल। एग्जाम में आपको बोला जाएगा आपके ओन से क्या करने के लिए, आपके ओन से आपका जो है क्या कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म करने के लिए, तो आप दो लर्न कर लो, बस हो गया, एक मून लाइट लर्न कर लो, एक फुल मून लर्न कर लो, मून लाइट तो गाना भी है तो और ईजी होगा। अब होमोग्राफ क्या होता है, होमोग्राफ में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस भी सेम किए जाते हैं और उनकी जो स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन जो मतलब होता है वो अलग होता है। आपको एग्जाम में बोला जाएगा एक वर्ड दे दिया, जैसे फीट फीट दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको होमोग्राफ, इसका होमोग्राफ है ये, इसका मीनिंग आपको इसको क्या सेंटेंस में यूज करना है, इसका क्या मीनिंग क्या डिफर करने के लिए, यानी मीनिंग अलग अलग है इसका, ये बताने के लिए। देखिए जैसे फीट, एक फीट क्या होता है, हमें लेग का जो बेस होता है नीचे वाला पार्ट उसको हम लोग फीट बोलते हैं, और एक फीट क्या होता है जो हम लोग लेंथ मेजर, एक फीट दो फीट तीन फीट वो मेजर करने के। एक सेकेंड क्या होता है, जो पहले के बाद आता है, फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड वो होता है, और एक सेकंड क्या होता है, हम टाइम का ऑन कर ले, दो सेकंड हुआ, चार सेकंड हो गया, पांच सेकंड हो गया, तो वो, तो ये होमोग्राफ, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग भी सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा, समझा। फिर आता है आपका होमोफोन, सेम तरह से क्वेश्चन होमोफोन्स में पूछा जाएगा आपको, बट होमोफोन्स में अंतर क्या, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन स्पेलिंग क्या होगी, अलग होगी, और मीनिंग भी क्या अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं डाई, डाई एक डाई होता है जो बाल में कलर करते हैं, और एक डाई क्या होता है, मरने वाला डाई होता है। फिर अगर मैं बात करूं एक रूट क्या होता है, प्लांट्स के रूट होते हैं, और एक रूट क्या होता है, रास्ता जो होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब वर्ड चेन में देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन दिया है आपके एग्जाम में, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द वर्ब भी पूछा जा सकता है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द एडजेक्टिव भी पूछा जा सकता है। पहले मैं वर्ड चेन लिखते करते कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो नाउन पूछा गया, नाउन मतलब होता है नाम, तो आपको बुक दिया है, तो बुक का लास्ट अल्फाबेट क्या है, के,
तो के से आप क्या यूज कर दो, के नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का या फिर किसी भी पर्सन का नाम होता है, प्लेस का, तो के से हमारे लिए क्या आ जाता है, काइट आ जाता है। फिर ई लिखा, अब लास्ट में क्या है, ई है, तो ई से क्या आएगा, एलिफेंट होएगा नाउन। फिर टी है, टी से क्या आएगा, टाइगर होएगा। फिर आर से क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब सेम चीज आपका वर्ब दिया रहेगा, अगर आपको वर्ब बोला रहेगा तो आपको एक्शन वाले वर्ड से लिखना है। जैसे अगर मैं बोलूं किक दिया रहेगा, जैसा अगर किक दिया है, या फिर अगर मैं बात करूं स्लैप दिया, ठीक है, स्लैप दिया, तो लास्ट में क्या, पी से, पी से क्या आएगा, पुश, तो पुश भी क्या एक वर्ब है, समझ में आ गया। एच है, तो एच से क्या आएगा, हिट आएगा, समझ में आया। तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से आपको क्या वर्ड चलेगा, एडजेक्टिव रहेगा तो आपको एडजेक्टिव वर्ड ही यूज करने, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखो दोस्तों, हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोला पिक आउट द इन्फिनिटिव, तो आपको टू ढूंढना है, क्या ढूंढना है, टीओ टू नहीं ढूंढना है, TO2 ढूंढना है। अब जैसे यहां पर शी वॉज अबाउट टू आस्क, तो टू दिख रहा है, टू और उसका जो पड़ोसी, दोनों को उठा लेना और ये आपका इन्फिनिटिव होगा, समझा। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जैसे मैं बात करूं शी इज गोइंग टू वेट, टू है और वेट है, टू दिखा, उसके पड़ोसी में कौन है, वेट है, तो इसको उठा लो। अगर जैसे मैं बात करूं शी वॉज अबाउट टू क्राई, अब इसमें से इन्फिनिटिव क्या होगा आप मुझे बताओ उस कमेंट सेक्शन में, तभी हमें समझेगा कि आपको चीजें समझ रही कि नहीं समझ रही, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन था, शी वॉज अबाउट टू क्राई। अब फिर जीरण क्या होता है, जीरण में जब कभी भी एक जो वर्ब होता है वो एज अ नाउन फंक्शन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरण बोलते हैं। टेंशन मत, तो इतना मत समझो, सीधी सीधी बात, जब कभी भी आपको क्या दिखेगा, आईएनजी वाली चीज दिख रही है, देखो वर्ब जो वर्ब है और वर्ब आईएनजी के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप समझ जाना वो जीरण है। जैसे अगर यहां पे बात करूं स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो स्विम का एक वर्ब है और वी आईएनजी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, जीरण हो जाएगा। अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग साइकिल, साइकिल करना भी एक एक्शन होता है, मतलब साइकिल चलाना एक एक्शन है, ठीक है। और जो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जीरेंड है। अब जैसे अगर बात करूं शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, अब आपको बताना इसमें से जीरेंड क्या है दोस्तों, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखोगे ना आप, तो हमने मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिया है, मोस्ट ऑफ द टू टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। आपके कुछ 22 मिनट हो चुके हैं, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 22 मिनट 28 सेकंड के कुछ, ठीक है। अब आते हैं हिडन वर्ड्स। अब आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में और आपको बोला जाएगा उसमें से जो हिडन वर्ड्स होते हैं आपको क्या फॉर्म करने रहेंगे। अब टोटल आपको चार वर्ड्स क्या फॉर्म करने होंगे। जैसे यहाँ पे मेरे लिए एक वर्ड दिया गया प्रोक्लेमेशन, मैंने क्या एक वर्ड लिया। अब यहाँ पे मैं क्या वर्ड फॉर्म करूंगा, जैसे टी है, आर है, ए है, आई है, एन है, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये ट्रेन बन गया, ठीक है, ट्रेन बन गया। फिर अगर मैं बात करूं आपका क्या बन सकता है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका एन है, ए है, टी है, आई है, और फिर उसके बाद आर ए टी आई, दो मिनट, ये आपका ट्रेन बन गया। फिर अगर मैं बात करूं आपका ठीक है, फिर उसके अगर मैं बात करूं तो आपका क्या बन जाएगा, पी सॉरी आपका पी है, ए है, आई है, एन है, आपका पेन बन जाएगा, समझा। तो इस तरह से आपको क्या करने रहेंगे, वर्ड्स क्या फॉर्म करने रहेंगे, आपको टोटल चार वर्ड्स क्या फॉर्म करने रहेंगे। यहां पे मैंने आपको दो जो है ऑलरेडी फॉर्म करके क्या बता दिया है दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट में चलेंगे फटाफट से। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बचपन में हमने किया, सेम चीज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना रहेगा। अब यहां पे आपको अलग अलग चीजें आ सकती है, देखो सबसे जो टफ होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो मैंने लिया है। स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, ए है, तो अब जब स्टार्टिंग अल्फाबेट सेम होगा तो हम सेकेंड अल्फाबेट पे जाएंगे, तो क्या दिख रहा है, एन एन यू डी। अब अल्फाबेट सेकेंड अल्फाबेट चेंज है तो मैं क्या दिखूंगा, डी यू और एन एन में सबसे सब पहले क्या आता है, डी आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी ए एम ए एन टी, एडमेंट आता है। अब ए सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, एन आता है, यू नहीं आता, तो अब एन सेकेंड अल्फाबेट सेम है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड अल्फाबेट करूंगा, दोनों सेम है, ठीक है, सी सी है। फिर मैं आगे वाले अल्फाबेट पे, तो आई और ई है, तो क्या आता है, पहले ई आता है, तो मैं क्या करूंगा, एंसेस्टर्स। फिर क्या लिखूंगा, मैं एंशियंट लिख दूंगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा मेरा, ऑडियंस, वो मैं लिख दूंगा।
समझा। तो इस तरह से हम क्या चीजों का क्या लिखेंगे, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। अब आपको क्या दे दिया जाएगा, एक फ्रेज दे दिया जाएगा। जैसे अगर लिखा है मैंने अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो शांत रहना ज्यादा पसंद करता, बोलता ज्यादा नहीं है, तो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहेगा। तो यहां पे मैं ओरली बता देता हूं, जैसा अगर मैं ये बोलूं कि माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट व्हेन ही स्पीक्स इट इज वैल्यूएबल टू हियर इट, समझा, टू वैल्यूएबल हियर हिम। तो ये क्या बोला गया कि मेरे जो पापा है वो क्या मैन ऑफ वर्ड्स है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या कीमती होता है उसे सुनना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर में क्या होता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी आपको लिखने रहेगी। अभी स्कूल है तो स्कूल से रिलेटेड क्या रहेगा, स्टूडेंट्स आएंगे, सेम चीज में भी चार वर्ड लिखना है आपको, स्टूडेंट, टीचर्स, क्लासरूम, उसके बाद लाइब्रेरी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझिए आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल सेंटेंस है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेचर हैड फैशन्ड मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। तो जब भी आपको स्टेटमेंट आए तो हमेशा आप कंजक्शन ढूंढो। कंजक्शन क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है। अब यहां पे अगर बात करें नेचर हैड फैशन्ड मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, तो यहां पे देखो एंड दिख रहा है। अब एंड के पहले आपको शॉर्ट दिख रहा है और एंड के बाद के आपको पुअर दिख रहा है। तो एंड के पहले क्या आएगा पता है, क्या नॉट ओनली, एंड के एंड का जो वर्ड है, एंड के पहले वाले वर्ड के पहले क्या आएगा, नॉट ओनली। देखो यहां पे दिखते समझ लो, नेचर हैड फैशन मी टू बी, आया पहला वर्ड आया तो उसके पहले मैं क्या लगा दूंगा, नॉट ओनली लगा दूंगा, टू बी नॉट ओनली शॉर्ट। अब ये जो एंड ना एंड गायब हो जाएगा, एंड के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, बट ऑल्सो। समझा, कंजक्शन ढूंढना है, कंजक्शन के पहले वाले वर्ड के, कंजक्शन के पहले जो वर्ड है उसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट ओनली लगा देंगे, और कंजक्शन के जो दूसरे कंजक्शन जो है उसको रिप्लेस करके हम लोग बट ऑल्सो लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा। तो यही लिखा, नेचर एंड फैशन मी टू बी शॉर्ट, टू बी। अब एंड के पहले क्या था, शॉर्ट, तो शॉर्ट के पहले हमने क्या, नॉट ओनली शॉर्ट, फिर उसके बाद एंड को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, बट ऑल्सो, और हमारा स्टेटमेंट क्या पूरा हो गया। तो इस तरह से आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या यूज करना है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब रिमूव टू आएगा, अब टू आप सेंटेंस में से कैसे निकालोगे। सबसे पहली चीज, सेंटेंस में अगर टू दिया है, सिर्फ अगर एक पहला सेंटेंस अगर सिर्फ सेंटेंस में सिर्फ टू दिया है तो आप उसको वेरी से रिप्लेस करोगे, तो कैसे आएगा, इट इज, अब टू आए तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी सॉर से, समझा, बहुत सिंपल है। अब दूसरा वाला टाइप देखो, अब ये वाले सेंटेंस में देखो तो टी डबल ओ टू आ रहा है और टी ओ टू आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना अलग तरीके से। देखो हमें रिप्लेस क्या करना है, सिर्फ टू से, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो हम आई एम, अब टू के लिए स्पेस छोड़ देंगे, फिर क्या लिखना, टायर्ड, फिर अपोज टू तो स्पेस छोड़ देंगे, समझा। अब इतनी चीज, अब टू है तो ये वाला जो टू है ना इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, सो से रिप्लेस करेंगे, समझा, इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, सो से रिप्लेस करेंगे। अब आगे क्या है, ये टू है तो ये टू को हम किससे रिप्लेस करें, दैट से रिप्लेस करें। अब इसके लिए थोड़ा सा जगह लगेगा मुझे, तो मेरा आपके दो, अब इतना लगाया। अब देखो यहां पे क्या दिया, आई दिया है, तो दैट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, आई लगाएंगे। अगर यहां पे किसी का अगर नाम दिया होता, अगर जैसे लड़के का नाम दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते, ही लिखते, लड़की का रहता तो शी लिखते, समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर दैट लगाया, फिर आई, फिर उसके बाद देखना है अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होगा, क्या होगा, सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस होगा तो क्या लगाएंगे, कुडंट लगाएंगे। तो यहां पे अगर बात करो, देखो सेंटेंस में आम आ रहा है, प्रेजेंट टेंस हमें हमेशा कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस में अगर आम आ रहा है, इज आ रहा है, आर आ रहा है, हैव आ रहा है या फिर हैज आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है। अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, वर आ रहा है, तो सेंटेंस क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, और हैड आ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो ये क्या प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन नॉट यूज करेंगे, समझा, आई कैन नॉट, फिर उसके बाद थिंक ऑफ एनीथिंग एज इट इज आएगा, क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट इस पे चलेंगे।
अब मेक अ सिटी सेंटेंस। अब सिटी सेंटेंस तो भाई बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। क्या करना होता है, क्या देखो स्कूल में क्या होता है पता है, स्कूल में आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन मेक असर्टिव सेंटेंस क्वेश्चन दे रहा है, आपको बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए। तो आपको करना कैसे, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज। तो देखो लास्ट फर्स्ट लास्ट बेंच पे जाने का, लास्ट बेंच पे कौन है, इट वाज है, तो इट वाज को पहले लिख दो। क्या लिखोगे अभी, व्हाट इन गैप हो जाएगा, इट वाज को हटा देने का, फिर आगे एज इट इज, सॉरी व्हाट जो है ना उसको हटा देने का और इट वाज आएगा, इट वाज हो गया, इजी है, कुछ नहीं। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद जो लास्ट बेंच पे कौन था, इट वाज था, तो इट वाज को हमने पहले बेंच पे ले लिया, और जो व्हाट था उसको हम लोग ने बोला कि भाई पहले बेंच पे तू नहीं बैठेगा, तू रहेगा नहीं हमारे साथ, तो हटा दिया। फिर अ वंडरफुल स्टोरी हमने एज इट इज लिख दिया। अब सेम चीज अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे चेंज है, जब भी सेंटेंस में हाउ आएगा ना तो आपको उसको किससे रिप्लेस करना है, वेरी से रिप्लेस करना रहेगा। तो लास्ट बेंच पे पहले जाएंगे तो क्या है, आई वॉज, ठीक है। अब हाउ है, हाउ को किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी से रिप्लेस करेंगे, लकी का लकी आ जाएगा, खत्म, इजी है। इससे यही ऐसे ही कन्वर्ट करना, और कुछ करना नहीं, समझा। व्हाट को हम लोग ने क्या किया, व्हाट को हमने हटा देते हैं, और हाउ को किससे रिप्लेस कर देते, वेरी से रिप्लेस करते। पहले लास्ट बेंच पे, लास्ट बेंच पे जो बैठे रहेंगे उनको उठाना है और पहले बेंच पे लाना है। अगर व्हाट रहेगा तो व्हाट गायब हो जाएगा और आगे की जो बची हुई चीज है वो एज इट इज लिख देंगे। अगर हाउ रहेगा तो हाउ किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेरी से रिप्लेस हो जाएगा, और लकी और बाकी जो चीजें रहेंगी वो हम एज इट इज लिखेंगे, समझा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां पे ध्यान देना, पैटर्न फॉलो करना, हमें हमेशा लास्ट बेंच पे जाके देखना पड़ेगा कौन बैठा है। यहाँ पे भी देखो, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है, तो गर्ल नाउन है। तो जब भी लास्ट बेंच पे अगर नाउन रहेगा तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट। तो मैं कैसे लिखूंगा पता है क्या, सबसे पहले लिखूंगा व्हाट। अब यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब ढूंढूंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शी इज है ना, तो इज के आगे वाली चीज हम लोग एज इट इज लिख देंगे, व्हाट समझा। अब क्या बच्चा, शी इज बच्चा, तो शी इज मैं एज इट इज लिख दूंगा, एक्सक्लेमेटिव में, समझा। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैं लास्ट बेंच पे गया, लास्ट बेंच पे देखा नाउन है कि एडजेक्टिव है, नाउन था, गर्ल है तो नाउन है, तो मैं क्या यूज करूंगा, व्हाट यूज करूंगा, तो व्हाट मैंने लिखा। अब शी इज एन इंटेलिजेंट, तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब खत्म हो रहा है उसके आगे जो चीज है उसको मैंने एज इट इज लिख दी, फिर उसके जो बची कुछ चीज है मैंने लिख दी वैसे ही, और फिर एक्सक्लेमेटिव मार्क डाल दिया, हो गया। एक्सक्लेमेटिव मार्क डालना भूलना मत। अब यहां पे देखो, द स्टोरी इज हॉरिबल, हॉरिबल ये चीज बहुत खराब है, यानी बता रहा हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा और उस चीज के बारे में। तो देखो हॉरिबल है, तो हॉरिबल क्या एडजेक्टिव है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हाउ से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब के आगे वाली चीज, हेल्पिंग वर्ब यहां तक है, हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या है, हॉरिबल। अब यहां पे आगे क्या बचा, इज के कितना बचा, द स्टोरी इज ना, तो मैं लिख दूंगा हाउ दी, हाउ हॉरिबल दी स्टोरी इज, खत्म। इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्लियर करना है, क्लियर हुआ। चलो आप आगे बढ़ते हैं, अब मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन टैग आता है भाई तो हो गया काम, कुछ नहीं करने का। क्या देखो, ही इज कमिंग टू द पार्टी। अब क्वेश्चन टैग हम लोग क्या करते थे, सेंटेंस के एंड में लगाते थे, लेकिन यहां पे उल्टा है। कैसे है? देखो चलो, ही इज कमिंग टू द पार्टी, सेंटेंस क्या पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इजंट, फिर क्या ही है, तो ही, फिर बच्चा क्या, कमिंग टू द पार्टी एज इट इज, बस खत्म, समझा। सेम चीज यहां पे क्या किया मैंने, इज पॉजिटिव था तो मैंने क्या किया, टैग नेगेटिव लगाया, तो इजंट ही मैंने लिख दिया, फिर जो बच्चा कमिंग टू द पार्टी एज इट इज लिख दिया। सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क आया, देखो मैंने गलती कर दी, मैं लेकिन रियलाइज कर लिया, एग्जाम में कभी गलती मत करना, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस में इजंट होता तो मैं क्या लगाता, इज ही लगाता, क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन टैग की तरह, बस पैटर्न ये फॉलो करना लिखने वाला। द चाइल्ड डजंट फील वेल, तो क्या है, डजंट है, तो क्या आएगा, डज। अब आगे क्या है इसके, द है ना, डज द चाइल्ड, फिर बचा क्या, फील वेल, हो गया। इस तरह से लिखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मेक नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करना, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, तो मेरे को देखो सेम चीज क्या करनी है, मुझे वर्ब का क्या लिखना रहेगा, अपोजिट लिखना रहेगा। अब जैसे पोलाइट है, सॉरी पोलाइट है, तो ये चीज है, वर्ब नहीं है ये, आपका एडजेक्टिव है, ही इज पोलाइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सेंटेंस नेगेटिव कर रहा हो तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी, कभी भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, सेंटेंस में नॉट आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो वो क्या वो पोलाइट है हर किसी से, तो मैं लिखता हूं ही इज, अब सेंटेंस में बोला नॉट, सेंटेंस नेगेटिव बनाना तो मुझे नॉट डालना पड़ेगा, ही इज नॉट। अब पोलाइट का ऑपोजिट क्या होगा, रूड, बाकी चीजें मैं एज इट इज लूंगा। हो गया ना सेंटेंस, वो क्या बोल रहा है, ही इज, वो पोलाइट है हर किसी से, तो मैंने क्या किया, ही इज नॉट रूड टू एवरीवन, मतलब वो हर किसी से क्या रूडली बात नहीं करता है, हर सबसे रूडली बात नहीं करता, मतलब क्या करता है, पोलाइटली बात करता है, मतलब तो वही हो गया, समझा। तो इसी तरह से तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी एडजेक्टिव दिया रहेगा या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया रहेगा उसका ऑपोजिट लिखना रहेगा और आपको आगे नॉट लगाना रहेगा, तो आपका हो जाएगा, क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं लिखूं ही इज अ बैड बॉय, क्या लिख रहा है, ही इज अ बैड बॉय, तो मैं इसको सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करूंगा, ही इज नॉट अ गुड बॉय, मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है। हो गया ना, सेंटेंस का मतलब चेंज क्या नहीं हुआ। अब ये आपका क्या है, आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसा है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, जैसे आप फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच, तो क्या है मैरी, अब मैरी क्या है, लड़की ए के, इज, अब क्या आएगा नॉट, अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता होगा तो आपको यह आता होगा, अगर नहीं आता रहेगा तो आप चैनल पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन ग्रेट टोटल सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैरी इज नॉट हैज, अब प्रीटियर है, तो प्रीटियर में क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रीटी करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इज नॉट एज प्रीटी एज, क्या बच्चा स्टेला, मतलब चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, सेंटेंस चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम पे, नो सूनर देन, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, एज सून एज दिख रहा है, तो इसके बदले आप क्या लिख दोगे, नो सूनर लिख दोगे, समझा। देखो एज सून एज तो लिख दो, नो सूनर, अब सेंटेंस में आप थोड़ा आगे जाओगे ना तो आपको एक चीज देखने मिलेगी, नो एज सून एज ही एंटर्ड, वर्ब दिखा तो वर्ब कौन से फॉर्म में, ईडी फॉर्म में, तो जब ईडी फॉर्म में होगा तो हम क्या लिखेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, समझा, डिड। अगर यही क्या होता है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता और एस के फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या लिखते, डू लिखते। अगर वही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता और क्या वर्ब जो होता प्रेजेंट टेंस में होता और एस के फॉर्म में रहता तो मैं क्या लिखता, मैं जो है आपका डज लिखता, समझा। तो ऐसी नो सूनर डिड, अब बाकी चीजें मैं ऐसी करूंगा ही, अब एंटर्ड का क्या हो जाएगा, एंटर्ड अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी एंटर में आ जाएगा, समझा। द रूम, अब नो सूनर दैन है, तो देखो ये कॉमा आ रहा है तो कॉमा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे दैन से, बाकी से सारी चीजें एज इट इज। ही नोटिस्ड अनयूजुअल प्रेजेंट, समझ में आ गया। अब सेम चीज यहां पे करेंगे, एज सून एज दी मॉनसून स्टार्ट द फार्मर बिकम्स हैप्पी, तो अब एज सून एज, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, नो सूनर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो सूनर आ जाएगा, समझा। अब क्या है आगे गया, क्या है एस से, तो एस के लिए मैंने क्या होता है, डज लिखेंगे। अब आगे सेम चीज, अब स्टार्ट का स्टार्ट से रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्या रहा है, कॉमा आ रहा है तो कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैन से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर बाकी सारी चीजें एज इट इज, स्टेटमेंट आप लोग बाकी का लिख लेना, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्या लिखना है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ ही आ रही होगी, आपका 38 टाइम हो चुका है, मेरा अंदर ड्यूरेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ जी जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं वो टॉपिक हमने क्या यहाँ पे जो मेन टॉपिक से वो कवर कर रहे हैं हम। अब यूजेबल टू देखेंगे, अब यूजेबल टू और अनएबल टू है, और एक आपका एक दो टाइप और है, फिर आपका टाइप खत्म हो जाएगा। देखो अगर सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में अगर कैन है तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता है। अगर सेंटेंस में कुड है तो कौन सा सेंटेंस होता है, आप पास्ट टेंस होता है। अभी जैसे ये सेंटेंस में क्या, आई कैन प्ले, तो ये क्या है, ये आपका है प्रेजेंट टेंस है। अब ये सेंटेंस में क्या, कुड है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है। तो ये ऐसे हम लोग करेंगे, आई कैन को किसके रिप्लेस करना है, आई को कैन को एबल से रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, एबल से, आई एबल टू प्ले। अब यहां पे ध्यान देना, आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, एम इज आर हैव और हैज।
अब ज्यादा अब एम इज आर हैव हैज हम किसके लिए यूज करते हैं, देखो आए ठीक है, तो आप आई के लिए हमने क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, इज किसके लिए, ही शी के लिए यूज करते हैं, आर किसके लिए यूज करते हैं, आर हम लोग दे एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो हम लोग आर यूज करते हैं, और हैव वाज जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तब हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एबल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, समझा, आई एम एबल टू प्ले, सेम चीज यहाँ पे भी करना है, आई कुड है तो हमें पता चल गया पास्ट में, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर और हैड यूज करते, समझ में आ गया, अब वॉज आएगा कि वर आएगा, तो जब भी हम ही शी या फिर आई रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते, जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, आई वॉज किससे रिप्लेस करना है, एबल से, तो एबल टू प्ले हो गया सेंटेंस, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो चीज ठीक है, चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आपको, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा अनेबल टू, अनेबल टू में भी सेम चीज प्रोसेस है, देखो अगर सेंटेंस कैन नॉट है तो प्रेजेंट टेंस में, अगर सेंटेंस में कुड नॉट है तो क्या पास्ट टेंस है, सेम चीज करेंगे, आई सेंटेंस में कैन नॉट है तो क्या आएगा, आम इज आर हैव एज क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना तो एम आएगा, आई एम फिर अनेबल लिख दो, अनेबल टू प्ले हो गया, अब यहां पे देखेंगे आई क्या सेंटेंस में कुल नॉट है यानी पास्ट टेंस है, तो क्या पास्ट के लिए वॉज वर और हैड यूज करते, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या कुल नॉट किससे रिप्लेस आएगा, अनेबल से रिप्लेस आएगा, अन हो जाएगा, समझा, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, 41 मिनट्स हो गए, चलो आगे फटाफट करेंगे अभी हम लोग, चलो अब फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर इज डबल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखो जब वर्ब जो होगा आईएनजी के फॉर्म में होगा और उसको हम लोग क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, जो वर्ब होगा पास्ट टेंस में होगा लेकिन तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, अब यहां पे आपको दो एग्जांपल जो है लर्न करके रखने हैं, जैसे अगर मैं बात करूं और यहां पे क्या बोले, कंडीशन रखी गई है कि जो लास्ट लेटर होना चाहिए वो डबल होना चाहिए, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए आपका, डबल होना चाहिए, तो देखिए जैसे मैं अगर लिख रहा हूं रनिंग, तो ये है आपका ठीक है, अब इसका लास्ट लेटर क्या डबल है, ये आपका क्या है, डबल है ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये आंसर होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए ठीक है, अब ऐसे अगर मैं बात करूं आपको एक लिखना है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास्ट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूंगा तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, अब रॉब्ड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब होगा ईडी के फॉर्म में आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, और जब वर्ब क्या होगा आईएनजी फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, तो रनिंग और रॉब्ड, फिर उसके बाद आप और भी चीजें क्या लिख सकते हो, जैसे हिटिंग, HITING हिटिंग, तो आपका हो गया, आपका किस में आएगा, आपका आएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, क्लियर हो गया ठीक है, चलो अब ये आपके एक मार्क्स के लिए आएगा, अब यूज द वर्ड इनटू डिफरेंट सेंटेंस एज अ नाउन एंड अ वर्ब, अब आपको ये जो ये एक वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब क्या यूज करना है, अब नाउन कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं, अब जैसे नाउन मैं यहां पे लिख दूंगा पहले, द बॉय गॉट, बट द बॉय गॉट एन एक्सपेंसिव वॉच ऑन हिज बर्थडे ठीक है, द बॉय गॉट एन एक्सपेंसिव वॉच ऑन हिज बर्थडे, तो यहां पे वॉच क्या बोला गया है, वॉच एक ऑब्जेक्ट का नाम बोला गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं, तो इस तरह से हमने नाउन यूज किया है, अब वर्ब किस तरह से यूज करेंगे, ऑन एवरी संडे आई वॉच अ फुटबॉल मैच, समझा, अब हर संडे में क्या करता हूं मैं, देखता हूं, वॉच करना मतलब देखता हूं यानी एक्शन परफॉर्म करता हूं, क्या एक फुटबॉल मैच देखता हूं, तो इस तरह से आपको क्या रहेगा सेंटेंस क्या यूज करना रहेगा, अब एक वर्ड मैं आपको देता हूं प्लांट,
इसको आपको क्या करना है, इसको आपको वर्ब और नाउन में दोनों भी यूज करके क्या आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉजेस की अगर बात करो तो आपको देखो एग्जाम में क्लॉजेस क्या पूछा जाएगा, मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या पहचानने के लिए बोला जाएगा। तो मेन क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेन क्लॉज मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो मेन क्लॉज मतलब जब कोई एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जो क्या कर रहा है अपने आप में ही अपनी पूरी मीनिंग क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या पूरा मीनिंगफुल बन रहा है, तो उसको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं, उसको मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज मतलब एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसे कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ता है, तो उसको हम लोग सबॉर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, व्हेन द किंग अराइव्ड, ये एक आपका स्टेटमेंट है, और फिर क्या दिया, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है। हर्मिट क्या कर रहा था, ग्राउंड जो है वो डिग कर रहा था, यानी खोल रहा था अपने घर के सामने, तो ये मतलब पूरा कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन क्लॉज होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, व्हेन द किंग अराइव्ड, जब किंग अराइव्ड आगे क्या, किंग अराइव्ड तो क्या हुआ, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए इसको दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ रहा है कि नहीं होना पड़ रहा है, तो इस तरह के क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। समझा? तो व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीटली अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसको कंप्लीट होने में दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, उसको मेन क्लॉज बोलेंगे, और अगर उसको दूसरे सेंटेंस में डिपेंड होना पड़ता है उसको हम लोग क्या, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या बोलते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते, दो मिनट, हाँ, यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हमने कवर कर ली है, अगर अब इसके जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, चेंज द वॉइस हो गया, ये सारी चीजों की ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, इनके अगर आप चाहोगे तो वन शॉट वीडियो भी बनी हुई है, आप बोलोगे तो इसको वापस भी हम बना देंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं उस वीडियो का। अब यहां पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, जहां पे आपको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, तो यहां पे मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको चीजें लर्न करके चलो बस वो दो वर्ड लर्न करो और आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप वो चीज लिख देना। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक सिटिंग लिख सकते हो, एक रनिंग मैंने बताया आपको, समझा, आप ये लिख सकते हो, सिटिंग लिख सकते हो, रनिंग लिख सकते हो, फिर उसके बाद हिटिंग मैंने बताया आप वो भी लिख सकते हो। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपको जो है मैंने पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्या बताया, मैंने रॉबर्ट बताया, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। फिर अगर मैं उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी जो दूसरी चीज आप लिख सकते हो वो क्या हो सकता है आपका, आपका अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट लिख दिया और आप एक लिख सकते हो स्टॉप लिख सकते हो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये दो वर्ड लर्न कर लो, रॉबर्ट और स्टॉप लर्न कर लो और सिटिंग और रनिंग लर्न कर लो, बस उससे ज्यादा मत समझो। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखने बोला तो सिटिंग और रनिंग लिख के आ जाना, पास्ट पार्टिसिपल लिखने बोला तो रॉबर्ट और स्टॉप लिख के आ जाना, बस इतनी चीजें लिख लेना। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ दी तो कवर कर लिया है दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें समझिए, अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके, आपको और आपके लैंग्वेजेस की जो प्रिपरेशन हम आपकी अच्छे से करवा सके। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है, और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें क्या फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों।